गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल बाय विक्रम सेठ, रिटन बाय विक्रम सेठ, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम योर 10th क्लास सीबीएसई इंग्लिश बुक्स। इसके मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी आपके साथ स्टूडेंट्स डिस्कस कर लिए थे। आज मैं आपके साथ इसका 3rd पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ। 3rd पार्ट में द लाइन्स विच हैव बीन टेकन, इट इज फ्रॉम लाइन नंबर 50 टू लाइन नंबर 74। आज मैं ये लाइंस आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। द वेरी मच लाइंस दैट आर रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, सो प्लीज बी केयरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम इसको देखते हैं, राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, राइट फ्रॉम द 50th लाइन आप देखेंगे स्टूडेंट्स, बट इट लैक्ड अ सर्टन फोर्स। हमने जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में आपके साथ द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल को डिस्कस किया था, तो हमने इसके बारे में जब फ्रॉग के बारे में बताया था, दैट फ्रॉग वॉज क्वाइट जेलस ऑफ द मेलोडियस वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल, दैट इज वाई वो इस तरीके से नाइटिंगेल को मिसगाइड कर रहा था। ये उसका मिसगाइड करने का ही एक तरीका था। दिस वॉज अ मेथड, दिस वॉज अ वे हाउ ही वॉज ट्राइंग टू मिसगाइड द नाइटिंगेल, ताकि वो अपनी मेलोडियस वॉइस यूज ना करते हुए, इतने ज्यादा लॉरल्स और प्रेजेस ना लेते हुए, और वो मेरे रास्ते से हट जाए। ये एक तरीके से, एक तरह से फ्रॉग का टेंटम था, जिस तरीके से वो नाइटिंगेल को अपने रास्ते से हटाकर और वो खुद पॉपुलैरिटी गेन कर सके और बिंगल बॉग में अपनी डोमिनेंस, अपनी आवाज, अपनी क्रोकिंग आवाज के बलबूते पे बना के रख सके। अब जैसा कि राइट फ्रॉम द 50th लाइन, बट इट लैक्ड अ सर्टन फोर्स। अब ये बात फ्रॉग, दिस कन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। फ्रॉग नाइटिंगेल को ये बताता हुआ कहता है, ही इज एक्सप्लेनिंग दैट योर वॉइस इट लैक्ड। अब इट किसके लिए यूज हुआ है? इट इज यूज फॉर द वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल। लैक मीन्स एक कमी है, नाइटिंगेल की आवाज में एक कमी है, दैट इज अ सर्टन फोर्स इन हर वॉइस। It refers to the certain force is referring to the word musical note, that the voice has no musical note in her voice, there is no rhythm in her voice, उसकी आवाज में कोई थिरकन, कोई संगीत, कोई मिठास और कोई सुरीलापन है ही नहीं, उसकी वॉइस में इन सब चीजों की कमी है। अब ये बात जब फ्रॉग नाइटिंगेल को कहता है, ओ द नाइटिंगेल कन्फेस्ट। अब नाइटिंगेल आउट ऑफ हर इनोसेंस, अपने भोलेपन और अपनी मासूमियत के बल पे वो फ्रॉग की इन्हीं टैंट्रम बातों में आ जाती है और वो इस बात को कन्फेस कर लेती है। कन्फेस मीन्स टू एग्री, शी एग्रीज टू व्हाट फ्रॉग सेज। फ्रॉग सेज दैट योर वॉइस लैक सम फोर्स, योर वॉइस लैक समथिंग, जिसकी वजह से तुम्हारी आवाज सुरीली होते हुए भी, देर इज नो एक्सपर्टनेस, देर इज नो ट्रेनिंग इन योर वॉइस, जिसकी वजह से तुम अप टू द मार्क, तुम्हारी आवाज नहीं है। जब ये बात नाइटिंगेल सुनती है तो वो उसकी बात पे विश्वास कर लेती है। वो फ्रॉग की बात पे विश्वास करते हुए कहती है, ग्रेटली फ्लैटर्ड एंड इम्प्रेस्ड, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बिंगल बॉग पे रहने वाले सभी एक्वेटिक बर्ड्स और एनिमल्स के हाथों उनकी प्रेस का शिकार है। उनकी प्रेस के बलबूते पे वो इतनी ज्यादा फ्लैटर्ड है, इतनी ज्यादा खुश है कि कहीं ना कहीं अगर फ्रॉग ने नाइटिंगेल को उसकी आवाज को लेकर कमी बताई तो वो अपनी इसी दुनिया में ही खुश थी और वो ये मानने को तैयार है कि अगर मेरी आवाज में कहीं कमी है तो फ्रॉग तुम मेरे को हेल्प करो कि मेरी आवाज में कहां कमी है और मैं कहां पे अपनी आवाज को सही कर सकती हूं। उसके बाद दैट अ क्रिटिक ऑफ सच नोट। अब कोई भी हम जब काम करते हैं तो उसमें क्रिटिसिज्म, एक तरीके से बात में हमारी किसी भी क्वालिटी में अगर कोई फॉल्ट निकालता है, दैट इज फॉर आवर वेलफेयर, वो हमारी भलाई के लिए होता है स्टूडेंट्स। सो सेम वॉज द केस विथ नाइटिंगेल। नाइटिंगेल इसी बात को सोचते हुए कह रही थी कि अगर तुम अगर क्रिटिकल हो, दैट देयर इज सम क्रिटिसिज्म, देयर इज सम लैक
lack in my voice, अगर मेरी आवाज में कोई कमी अगर तुम्हें नजर आई है तो critical अगर तुम हो मेरी आवाज को लेकर तो please let me know, मुझे उसके बारे में बताओ ताकि मैं उस चीज को rectify कर सकूं और मैं अपनी उस कमी को दूर करके लोगों के desires पे खरी उतर सकूं, लोगों की expectations पे मैं खरी उतर के एक बहुत अच्छा singing star बन के उभर के आऊं. Now, had discussed her art and throat. What is the meaning of art and throat? Art and throat means that जब किसी इंसान को बहुत ज्यादा admiration, बहुत ज्यादा प्रशंसा मिलती है तो अगर तुम्हें लोगों से मेरे को इस चीज को लेके काफी ज्यादा discussion में मेरे को positivity नजर आई है, बेंगल वॉक पे रहने वाले जितने भी aquatic birds और animals हैं, अगर उन्होंने मेरी आवाज में कोई प्रेस की भी है तो उस प्रेस के एवज में अगर तुम्हें कोई कमी लगती है तो प्लीज लेट मी नो मिस्टर फ्रॉग, कैन यू प्लीज टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी आवाज में तुम्हें कहां पे कमी लगी, मैं उस चीज को आई एम ऑलवेज रेडी टू रेक्टिफाई माय मिस्टेक, मैं अपनी उसी कमी को दूर करना चाहती हूं. अब नाउ सी द नाइटिंगेल इज सो इनोसेंट, आप नाइटिंगेल की इसी मासूमियत को बड़े अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं इस पोएम को पढ़ते हुए कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं. ये हमारी जो पोएम है ये क्या मैसेज कन्वे कर रही है, ये यही मैसेज कन्वे कर रही है इन अ सेंस कि दुनिया में जो दो तरह के लोग हैं, एक तो बहुत क्लेवर और बहुत इनोसेंट, बहुत क्लेवर जो बहुत चालाक और इनोसेंट बहुत भोले किस्म के लोग जो बहुत जल्दी किसी की बातों में आके फंस जाते हैं. तो नाइटिंगेल सिर्फ उसी तरह के लोगों को हमारे सामने प्रेजेंट करके बता रही है, इनोसेंट पीपल को, और फ्रॉग जो कि बहुत एक तरह से जो टेंट्रम, जो स्कीम बनाने वाले, जो प्लानिंग करके क्लेवरनेस से सबको अपने बस में करने वाले, हिप्नोटाइज करने वाले, वो इस तरह के लोगों को सोसाइटी में प्रेजेंट करने वालों में से फ्रॉग ऐसा करेक्टर है इस पोएम में. विक्रम सेठ ने इस पोएम को लिखते समय ये इसी तरह के दो लोगों को बता इसी तरह के दो लोगों के बारे में बताते हुए हमें बिल्कुल क्लियर किया है कि सोसाइटी में ये जो दो तरह के लोग हैं, इन दो तरह के लोगों के बलबूते पे ही सोसाइटी चलती है. क्योंकि अगर दुनिया रंग बिरंगी है, द वर्ल्ड इज कलरफुल बिकॉज ऑफ दीज पीपल, वन साइड इज क्लेवर एंड द अदर साइड इज इनोसेंट. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लाइन, आई डोंट थिंक द सॉन्ग्स डिवाइन. नाउ दिस सेंटेंस, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय द फ्रॉग. द फ्रॉग सेज कि मुझे नहीं लगता तुम्हारे सॉन्ग में कोई प्योरिटी है, देर इज रिफाइनमेंट. अब इसमें तुम डिवाइन का मतलब स्टूडेंट्स, इट मीन्स देर इज नो रिफाइनमेंट इन योर वॉइस. रिफाइनमेंट मीन्स कोई जैसे सरलता या कोई भी आप ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं जिसमें बिल्कुल प्योरिटी या डिवाइन या कोई पवित्रता नजर नहीं आती. रिफाइनमेंट मीन्स जब इंसान गा गा के या कोई भी अपना नेचर ऑफ वर्क पे काम कर करके वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो नाइटिंगेल की आवाज में वो एक्सपर्टनेस नहीं नजर आई फ्रॉग को. फ्रॉग यही बात नाइटिंगेल को बता रहा है. इन द वेरी नेक्स्ट लाइन, बट ओ वेल एट लीस्ट इट्स माइन. लेकिन ये बात अगर फ्रॉग कहता है नाइटिंगेल को तो नाइटिंगेल क्या कहती है आगे से, वो कहती है पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आवाज तो मेरी है, ये मेरी अपनी पोजेशन है, ये मेरी अपनी मेहनत है कि मैंने इस ट्यून को निकाला अपने गले से, मैंने अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हुए, मैंने अपनी सुरीली मीठी आवाज का इस्तेमाल करते हुए ये गाना गाया और इसके एवज में मेरे को इस चीज की खुशी है कि ये आवाज मेरी अपनी है, ये मेरी अपनी टैलेंट है जो मैंने लोगों के सामने आई हैव ट्राइड टू एग्जिबिट दैट, आई हैव ट्राइड टू डिस्प्ले इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लाइन, दैट्स नॉट मच टू बोस्ट अबाउट. अब मैं इस चीज को लेके ज्यादा बिल्कुल ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड अपने आप को नहीं समझती हूं, लेकिन मुझे इस चीज की खुशी है कि मैंने अपनी मेहनत के बल पे अपना टैलेंट लोगों के सामने एग्जिबिट किया. चाहे इस चीज में मुझे बोस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे अपने आप पे बिल्कुल सेल्फ प्रेज नहीं दिखानी चाहिए, वो मैं मानती हूं. सेट द हार्टलेस फ्रॉग, अ फ्रॉग व्हाई ही हैज बीन कॉल्ड हार्टलेस. फ्रॉग को पत्थर दे हार्टलेस क्यों कहा गया है, क्योंकि उसमें फीलिंग्स बिल्कुल नहीं है. वो ये बात
नाइटिंगेल को आउट ऑफ जेलसी बोल रहा है। फ्रॉग जिसमें अपना कोई टैलेंट नहीं है, जिसकी क्रोकिंग साउंड, जिसकी बेसुरी आवाज एक्वेटिक बर्ड्स और एनिमल्स को पसंद तक नहीं है, और बजाय इसके कंपैरेटिवली नाइटिंगेल की आवाज के वो दीवाने हैं, और वो नाइटिंगेल को अपनी डिमांड पे एक और एक और एक और करके कितने सारे गाने उसको उससे गवाते हैं, और जबकि फ्रॉग उसमें क्रोकिंग साउंड है, लेकिन फिर भी वो इतना हार्टलेस है बिकॉज ऑफ जेलसी, ईर्ष्या की वजह से एक जलन उसके अंदर है कि मैं फेमस नहीं हो सका। और ये नाइटिंगेल जो कि दो दिनों के लिए इस सुमैक ट्री पे आई है, इसने सुमैक ट्री पे आके अपना इतना इसने दबदबा लोगों के सामने बना लिया, यहाँ के रहने वाले जितने भी बर्ड्स और एनिमल्स थे उनके ऊपर इसने इतनी डोमिनेंस बना ली कि वो इसकी आवाज के तो कायल हो गए, और मेरी आवाज को सुन के दे यूज टू ट्राई टू बीट मी, दे यूज टू ट्राई टू रिब्यूक मी, स्नब मी इन एनी वे एंड इन एनी टाइम। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग। नाउ दीज लाइंस हैव बीन सेड बाय द फ्रॉग, हार्टलेस फ्रॉग, पत्थर दिल मेंढक, उसके कहने पे विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना अब वो ये बात नाइटिंगेल को बारी बारी से एहसास करवा के बता रहा है कि तुम्हारी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, कोई एक्सपर्ट, किसी एक्सपर्ट के हाथों तुम्हारी ट्रेनिंग नहीं हुई है। सच एज आई एंड फ्यू अदर्स, सच एज आई, क्योंकि मेरे जैसा ट्रेनर, मेरे जैसा एक्सपर्ट तुम्हें अगर मिल जाए तो, एंड फ्यू अदर्स, या कोई भी इससे ज्यादा या इससे कम कोई तुम्हें अगर मिल जाता, कांट सप्लाई, वो तुम्हें इतने अच्छे से तुम्हें तुम्हारी फॉली, तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक ना बता पाता, तुम्हें तुम्हारी कमी ना बता पाता, जो कि मैं तुम्हें बताने में सफल हुआ। यू विल रिमेन अ मेयर बिगिनर। नाउ दिस लाइन हैज बीन सेड बाय द फ्रॉग। वो फ्रॉग को कहता है, फ्रॉग नाइटिंगेल को कहता है दैट यू विल रिमेन अ मेयर बिगिनर, कि तुम अभी बिल्कुल एक फ्रेशर रहोगे। यहाँ पे मेयर बिगिनर का मतलब है तुम एक फ्रेशर हो, एक ऐसे फ्रेशर जिसने अभी तक प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है। प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना, प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस के बिना तुम अभी, तुम्हारी आवाज में अभी वो रिफाइनमेंट नहीं है जो कि होनी चाहिए। बट विद मी यू विल बी अ विनर। लेकिन फ्रॉग उसको ये एहसास दिलाता है, उसको ये विश्वास दिलाता है कि अगर तुम मेरी कंपनी में रहोगे, अगर तुम मेरे कहे मुताबिक चलोगे, तो तुम एक बहुत फेमस विनर, यहां पे फेमस के तौर पर है। और ये फेमस किसको कह रहा है, ये फ्रॉग फेमस इस नाइटिंगेल को कह रहा है कि तुम मेरी छत्र छाया में रहकर अगर तुम मुझे गुरु मान के चलो, तो मैं तुम्हें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दूंगा कि तुम्हारी आवाज में एक रिफाइनमेंट आ जाएगी, एक एक्सपर्टनेस नजर आएगी, एक एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी और एक प्रोफेशनलिज्म नजर आएगा, जिसकी वजह से तुम फेमस हो जाओगी और तुम एक विनर कहलाओगी, और तुम्हारी आवाज लोगों के सामने एक नए तरीके से प्रेजेंट होकर आएगी। डियरेस्ट फ्रॉग द नाइटिंगेल, अब फ्रॉग की इसी बात का जवाब देते हुए नाइटिंगेल क्या कहती है, वो फ्रॉग को कहती है दैट डियरेस्ट फ्रॉग, मेरे प्यारे मेंढक, द नाइटिंगेल ब्रेथ्ड, अब वो बहुत लंबी सांस लेकर, ब्रेथ्ड लाइक दिस वे, एक बहुत लंबी सांस लेकर वो कहती है दिस इज अ फेयरी टेल, कहते ये एक फेयरी टेल है कि मेरी सब लोगों ने जब तारीफ की, जब मेरे सब लोगों ने प्रेजेस की, तो मुझे एक तरह से ये परियों की कहानी की तरह लगा। फेयरी टेल बाय, वो मेरे को इसलिए क्योंकि एक तुम ही ऐसे इंसान हो जिसने मुझे मेरी कमी बताई, और मेरी इस कमी को दूर करने के लिए तुम मेरा साथ देने को तैयार हो, तुम मुझे मार्गदर्शन देने को तैयार हो, तुम मेरी जिंदगी में एक तरह से एक ऐसा करेक्टर हो, एंड यू आर अ मोजर्ट इन डिसगाइज। व्हाट इज अ मोजर्ट? मोजर्ट इज द नेम ऑफ, मोजर्ट एक ऐसा इंसान है डिसगाइज, एक उसके वेश में, डिसगाइज मीन्स तुम मोजर्ट के वेश में एक ऐसे इंसान हो जो मेरे को यहाँ पे प्रॉपर एक गाइडेंस देने के लिए आए हो, ताकि मेरी आवाज सुरीली और मीठी होते हुए भी तुम उसमें एक रिफाइनमेंट, एक एक्सपर्टनेस और एक ट्रेनिंग उसमें डालना चाहते हो, जिसकी वजह से मेरी आवाज में एक डिवाइननेस और एक प्योरिटी सब लोगों को नजर आए और मैं फेमस हो जाऊं। मोजर्ट इज द नेम ऑफ ऑस्ट्रियन कंपोजर, एक ऑस्ट्रियन कंपोजर का नाम है। और नाइटिंगेल
इसी ऑस्ट्रियन कंपोजर मोजर्ट के साथ फ्रॉग की तुलना कर रही है, वो उसका कंपैरिजन इसी कंपोजर के साथ फ्रॉग का कर रही है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा उसके शीशे में उतर चुकी है, उसकी बातों में इतना ज्यादा आ चुकी है कि वो बहुत खुश है कि जिस तरीके से वो उसको गाइड कर रहा है, वो उसके शीशे में उतर चुकी है और उसकी बातों में आकर बिल्कुल इनोसेंटली उसकी सब बातों में आकर उसके कहे मुताबिक चलने को तैयार है। इन अ वे नाइटिंगेल बुलबुल एक तरह से उसके हाथ की पपेट बन चुकी है कि जिस तरीके से फ्रॉग उसको करने को कह रहा है, नाइटिंगेल वही करती चली जा रही है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट लाइन, कम टू अर्थ बिफोर माई आईज। तुम एक ऐसे ऑस्ट्रियन कंपोजर मोजर्ट हो, एक ऐसे वेश में आए हो, मोजर्ट के वेश में मेरे सामने आए हो, जो कि धरती पे साक्षात मेरे सामने उतर के आया है, एक एंजल बनके, एक ऐसा फरिश्ता बनके जो मेरे को प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन देकर मुझे एक बहुत फेमस सिंगिंग स्टार बनाना चाहता है। वेल आई चार्ज अ मॉडेस्ट फी। अब ये बात फ्रॉग उसको कहता है कि मैं एक एवरेज फीस तुमसे लूंगा अगर मैं तुम्हारा गुरु बनता हूं, अगर मैं तुम्हें गुरु बनके प्रॉपर तुम्हें मैं मार्गदर्शन देता हूं, तो मैं तुमसे मॉडेस्ट फीस उसके लिए चार्ज करूंगा, मैं तुमसे ज्यादा उसके लिए नहीं चार्ज करूंगा। अब ये मॉडेस्ट फीस से तुम्हें स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से इसका समझ आ गया होगा। एंड में जाके जब आप इसकी देखेंगे कि नाइटिंगेल की ट्रेजेडी क्या थी, उसके साथ क्या ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ बिकॉज ऑफ यही फ्रॉग के इन्हीं लच्छेदार बातों की वजह से नाइटिंगेल का क्या नुकसान हुआ, वो हम आगे जाके हम जैसे पढ़ते जाएंगे तो हमें इस पोएम के बारे में ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अब हम वेल आई चार्ज अ मॉडेस्ट फी, ओ बट इट वॉन्ट हर्ट, लेकिन ये तुम्हें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इट विल नॉट बी पेनफुल फॉर यू, यू विल सी, तुम खुद देखोगी, तुम खुद इस चीज को ऑब्जर्व करोगी कि मैं तुमसे जो एवरेज फीस जो तुमसे लूंगा, जो एक नॉर्मल फीस मैं तुमसे चार्ज करूंगा, उसके लिए तुम्हें ज्यादा दर्द भी नहीं होगा, तुम्हें वो देना मुश्किल भी नहीं लगेगा मुझे, बिकॉज नाउ द नाइटिंगेल इंस्पायर्ड। अब नाइटिंगेल उसकी बातों से इतनी ज्यादा प्रेरणादायक हो गई, वो इतनी ज्यादा मोटिवेट हो गई कि इंस्पायर्ड मीन्स शी गेट्स मोटिवेटेड, she gets motivated because of the frog statements that he has given to the nightingale, and after that flushed with confidence and fired, she was fired, wo itni zyada andar se curious ho gayi, wo itni zyada andar se anxious ho gayi apne is talent ko dikhane ke liye, uske andar vishwas ki bhavna itni zyada badh gayi that flushed, she was all flushed. Now, what is the meaning of flushed? It means that she was very excited and pleased. वो उतनी ज्यादा excited, वो उतनी ही ज्यादा pleased. She was very much thankful. Pleased का मतलब क्या हुआ? She was very much thankful to the frog for all this with both art and adoration. Art and adoration. इसमें art and adoration. Art means the talent. It means the talent. And what is adoration? It means the admiration, जो कि frog ने उसकी प्रशंसा की। Now we come to sang and was a huge sensation to become famous. कि frog की इन्हीं सब बातों का नाइटिंगेल के ऊपर इतना असर हो गया, वो सिर्फ अपने भोलेपन और मासूमियत से फ्रॉग की बातों में आती चली गई और उसने गाना गाना शुरू किया, एंड शी वॉज अ ह्यूज सेंसेशन। वो अपने आप को अपने अंदर अपने मन में ये इमेजिन करना शुरू हो गई कि वो एक बहुत फेमस सिंगिंग स्टार एक दिन बन जाएगी। एनिमल्स फॉर माइल्स अराउंड, जितने भी वहां एक्वेटिक बर्ड्स और एनिमल्स बंगाल बॉग पे रहने वाले, वो दूर दूर जितने भी थे, वो उसकी आवाज सुन के फिर वो वहीं बंगाल बॉग पे आके ऑल टुगेदर दे ऑल कलेक्टेड देयर, वो उसकी आवाज के जादू से वही सब आकर इकट्ठे हो गए। फ्लॉक टूवर्ड्स द मैजिक साउंड, दे ऑल फ्लॉक टूगेदर, फ्लॉक मीन्स इट इज अ कलेक्टिव नाउन दैट इज यूज फॉर ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स। वो सारे कलेक्टिवली
वहीं आके बिंगल वॉक पे खड़े हो गए, बिकॉज नाइटिंगेल का वही मैजिकल साउंड, वही उसकी जादू भरी आवाज जिसे हम कह सकते हैं, उसने वही गाना शुरू कर दिया. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन गुड बाय.